अच्छा वैसे मैं आपको जो है वो ब्रांड हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, तो फिर जो है वो हम इसको देख भी लेते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि ये हमने बात पढ़ ली थी कि ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, मीन्स आपकी जो भी नोवेलिटी होगी सही है, या जो है वो इन्वेंशन होगी सही है, और आपका जो भी एक यूनिक नेम सेट्स वगैरह होंगे, आप जब उसको किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है जो कि लॉ प्रोटेक्शन वगैरह देती है आपको, आप उसके साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा सही है। अच्छा अब ट्रेडमार्क के साथ बेसिक जब आपके पास जो है वो नाम बनता है ना, ठीक है, ट्रेडमार्क से मतलब ये है कि अब आपका जो है वो नाम बन गया हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या होता है उस नाम को लेकर बेसिकली हम फिर क्या करते हैं कि जो है वो फिर हम वो एक टूल यूज करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, कि मींस के जो कि हमें हमारी जो है वो लिस्टिंग्स होती हैं, जो भी लिस्टिंग से स्टैंड फॉर जो प्रोडक्ट का पेज होता है उसके ऊपर जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स की क्या देता है प्रोटेक्शन देता है सही है। उसमें से एक प्रोटेक्शन क्या थी बेसिकली कि जो है वो हमें हाईजैकर से जो है वो बचाता है सही है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें इस अमल दखल में ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, अमेजोन की ये रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक्स वाई जी हमारे साथ कोई भी ब्रांड रजिस्टर करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा आपको जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि वो आपसे कहता है कि जो है वो आपको आपको उस नेम का जो है वो ट्रेडमार्क चाहिए सही है, वो आप ट्रेडमार्क लेके आएंगे सही है। अच्छा अब जो है वो आपने क्या किया, आपने बेसिकली जो है वो उस एक्स वाई जी जो भी नेम था आपका सही है उसमें आपने उसके ऊपर जो है वो ट्रेडमार्क लिया। इन केस ऑफ अगर जो है वो हम बात करें यूएस की, तो आप जाते हैं यूएसपीटीओ के पास सही है, जो कि हमने जो है वो साइट रिसेंटली ओपन करके देखी थी, मैं अभी दोबारा भी ओपन करूंगा इसको, अभी पीसी की जो है वो अपडेट्स आई हुई है तो वो उसी पे जो है वो लगा हुआ है। तो उसमें जो है वो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमने एक दफा जो है वो उससे ट्रेडमार्क ले लिया, अब जो है वो अमेजोन के साथ हम ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं सही है, और उस ब्रांड रजिस्ट्री का जो लिंक है वो भी आपको दे दिया जाएगा, वो आप जस्ट उस लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, वो आपको आपके ऑटोमेटिकली जो है वो सेलर सेंट्रल में ले जाता है। उधर अगर आप साइन इन होते हैं तो वो जो है वो आपसे मींस के ब्रांड रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो शुरू करवा देता है, तो ये अगर आप साइन इन नहीं होते तो वो कहता है कि जी पहले आप साइन इन हो जाएं, ठीक है। तो साइन इन होने के बाद जो है वो आपसे पूछता है कि अच्छा जो है वो ट्रेडमार्क बेसिकली आप बताएंगे प्लीज, ट्रेडमार्क नंबर जो है वो आप बताएंगे, आप उसको जो है वो अपना ट्रेडमार्क नंबर जो कि यूएसपीटीओ आपको देता है आप वो उसको बताते हैं सही है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका ट्रेडमार्क क्या है, मींस कि जो ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क से स्टैंड फॉर ब्रांड नेम सही है, आप जो है वो उसको अपना ब्रांड नेम देते हैं कि अच्छा मेरा जो है वो ये मैंने इस नेम के ऊपर जो है वो अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है सही है, मतलब जो है वो आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है इस नेम को, तो वो कहते हैं चलें सही है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो फिर ये सारा जो प्रोसेस है वो करके आपसे जो है वो कहता है कि जो उस ट्रेडमार्क के साथ जो ईमेल सिंक है आप मुझे वो बताएं, ठीक है, वो आप उसको ईमेल देते हैं कि इस ट्रेडमार्क के साथ ये ईमेल सिंक हुई है। अच्छा ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो भेजते हैं उसके ऊपर आपकी मेल के ऊपर ना, ठीक है, तो वो फिर कहता है कि अच्छा मैंने जो है वो आपको कोई वेरिफिकेशन कोड भेजा है तो प्लीज जो है वो आप मुझे जरा बताएं सही है। तो इस प्रोसेस में जो है वो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, यही होता है आधे पौने घंटे का ये प्रोसेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो अमेजोन का इंटरव्यू होता है वो आप जो है वो दे के, तो उसके बाद जो भी ये जरूरी इंफॉर्मेशन होती है बेसिक सी वो आपसे पूछते हैं और आप उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड देन जो है वो उसके बाद फिर क्या होता है वो सिंपल जो है वो आपका ट्रेडमार्क जो है वो क्या है, फिर जो है वो आपकी जो ब्रांड रजिस्ट्री की एप्लीकेशन है उसको जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो बेसिकली क्या होता है कि विद इन सम डेज जो है वो आपको कहते हैं कि ठीक है हमारी जो एक टीम है वो बेसिकली आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगी, ठीक
ठीक है, अगर आपका जो है वो जो जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी वेरीफाई हो जाए और वो सब जो है वो ऑथेंटिक हुई, तो हमारी जो टीम है वो बेसिकली आपसे क्या करेगी, राब्ता करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो सम टाइम बेस्ड ऑन जो है वो अकाउंट की हिस्ट्री, ऑन मैट्रिक्स, अकाउंट की हेल्थ। तो अगर अकाउंट तो अगर आपका एक उसकी एक अच्छी सेल हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है, और उसकी जो अकाउंट की हेल्थ है वो अगर बिल्कुल जो है वो ठीक है, मींस कि वो एक अच्छा अकाउंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, तो देन उस केस में जो है वो अमेजोन में भी आपको जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता है और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर देता होता है। तो ये अगर जो है वो आपका अकाउंट की जो हेल्थ है बेसिकली वो इतनी कोई अच्छी नहीं हो, ठीक है, तो फिर उस केस में जो है वो थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, तो ये थोड़ा डिले आ जाता है आपका। बट ये है कि वो अगर आपने जो भी आपको आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, अगर वो जो है वो सारी आप समझ लें कि सही होती हैं, तो वो फिर एवेंचुअली जो है वो आपको क्या करते हैं, आपका जो अकाउंट होता है उसके ऊपर जो है वो आपको बेसिकली उस नेम के ऊपर ना आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि यस, अब ये जो आपका नेम है, ब्रांड नेम, ठीक है, वो हमने अब रजिस्टर्ड कर लिया है अपने कैटलॉग के अंदर भी, ठीक है। जो आपका नेम था बेसिकली पहले वो रजिस्टर्ड था USPTO के कैटलॉग के अंदर, सही है, कि वो किसी को नहीं दे सक रहे थे, सही है। तो अब जो है वो क्या किया हुआ, USPTO के साथ साथ जो है वो अमेजोन ने भी जो है वो आपका जो ब्रांड नेम अपने कैटलॉग में रजिस्टर्ड कर लिया हुआ है। तो ये अब जो है वो अगर कोई फर्दर कोई बंदा आता है उस नेम के ऊपर जो है वो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री लेता है, सही है, उसी क्लास में जिस क्लास में आपने और मतलब आपने ली हुई है, तो वो अमेजोन उसको कहेगा कि नहीं, ये मेरे पास जो है वो एक सेलर है वो ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है, तो आपको जो है वो इसके ऊपर नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये होता होता है ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस। अच्छा, अब जो है वो इसमें क्या हुआ कि आपको एक दफा जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री मिल गई, सही है। ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब आप यूं समझें कि आपके पास आपके अकाउंट में जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो फंक्शनैलिटीज हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, सही है। अच्छा, उस फंक्शनैलिटीज वो जो ब्रांड रजिस्ट्री है, सही है, इट्स मीन्स कि आपके पास ना एक एक्स्ट्रा सी टूल किट आ गई हुई है, सही है। अब उस टूल किट के अंदर जो है वो आपको क्या क्या मिलता है उसमें से हम उसको देख लेते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी जो चीज मिलती होती है ना, जो कि अमेजोन सेलर जो चाहते होते हैं, वो ये होता है कि हाईजैकर्स को रिमूव करना, सही है। अब हमने देखा था कि जो है वो एक लिस्ट के ऊपर जो है वो 30 30 40 40 बल्कि 64 64 लोग भी जो है वो अपनी ऑफर्स लगा के बैठे हुए थे, सही है, जो कि क्या थे जो है वो जिसको आप कह लें कि थर्ड पार्टी के लोग थे, जो कि एक्चुअली उस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर नहीं थे, ऐसे ही था ना, सही है। तो अब जो है वो अब डेफिनेटली जो है वो जितने ज्यादा सेलर्स होंगे किसी भी लिस्ट के ऊपर, सही है, तो सेल्स वैसे आपकी डिवाइड हो जाएंगी। मींस कि अगर एक अकेला बंदा होगा उस लिस्ट के ऊपर, सही है, अकेला सेलर होगा, तो सारी सेल्स क्या होंगी, उसी के पास जाएंगी, ठीक है। और अगर जो है वो वहां पर उसी के ऊपर जो है वो 10 बंदे आ जाते हैं आपके, तो उसके इसमें क्या होगा कि वो जो सारी सेल्स हैं वो जो है वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी, सही है। और मींस कि पहले हम देखते हैं कि जो है वो 10 लोग बैठे हुए हैं एक लिस्ट के ऊपर, और बाय बॉक्स के जो रोटेशन का परसेंटेज है वो भी 10% ही है, तो जहां पर एक अकेला बंदा बैठ के जो है वो सारी 100 की 100 सेल्स ले जाता था, बट अब जो है क्या होगा, अगर 100 सेल्स आएंगी तो उसमें से जो है वो डिवाइड हो जाएंगी जो है वो 10 10 10 के अंदर, से ये हर बंदे को जो है वो अब 10 10 सेलें जो है वो आ रही होंगी, सही है। अच्छा, अब जो है वो ये वाली जो चीजें होती है ना, वो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो तो बर्दाश्त करते हैं, जो खुद से मतलब नहीं बेच रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, सही है। बट क्या होता है कि जो आपके जैसे और हमारे जैसे जो है वो जो सेलर्स होते हैं ना, ठीक है, कि मीन्स के जिन्हों जिन्होंने जो है वो अपनी एक लिस्टिंग खुद बनाई होती है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और फिर प्लस जो है वो उसके बाद उन्होंने रैंकिंग के ऊपर जो है वो बड़ा खर्चा किया होता है, सही है, उसकी मार्केटिंग के ऊपर जो हम बोलते होते हैं, सही है, गिव अवेज उन्होंने किए होते हैं, सही है, एंड बाकी के सारे जो उन्होंने प्रोसेस किए होते हैं, तो उनकी एक अपनी वो इमेजेस खुद बनवाते हैं, सही है, कंटेंट खुद बनवाते हैं लिस्टिंग के लिए जो है वो, यहाँ पर जो हमने देखा था कि UPC कोड आपको चाहिए होता है वो खुद परचेज करते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो उनकी डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, और बाकी भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें।
तो अब जो है वो सारी चीजें अगर वो कर उन्होंने की हुई हैं, और मीन्स के सारी उन्होंने जो है वो एक बिल्डिंग को तैयार किया हुआ है, जब उसके अंदर जो है वो अब मीन्स के एक जो है वो उन्होंने को फील्ड वगैरह बना ली हुई है, अब उसके अंदर जब वो फ्रूट जो है वो देने की टाइम आ रहा है, तो अब जो है वो बहुत सारे लोग आ गए हुए हैं, तो उनको जो है वो तो फिर सेलर बर्दाश्त नहीं करते ना कि जो है वो कि 10 बंदे ऐसे आके और बैठ जाएं, सही है, जिन्होंने किया ही कुछ नहीं है, सही है, और बट अब आपकी जो है वो आके वो लिस्टिंग से सेल लिए जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो अमेजोन सेलर के लिए यही होता है कि वो फिर ऐसे बंदों को क्या करते हैं, उड़ाते हैं, सही है। अच्छा, ये जो है ना, अगर आपके पास आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अमेजोन के साथ, सही है, तो अमेजोन फिर आपको ये राइट नहीं देता। अमेजोन कहता है कि आप कौन सा कोई इस ब्रांड के ऑनर है, सही है, कि आपके कहने के ऊपर जो है वो हम बाकी सारे लोगों को उड़ा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप हैं, सही है, एक प्रोडक्ट लेके आए बेचने के लिए, इस तरीके से दूसरे लोग हैं, तो हमारे लिए क्या है, सब बराबर है। बट जब आप उनको अपना ट्रेडमार्क दिखाते हैं कि अच्छा ये देखें, मैंने इस जो है वो मैं इस नेम का अकेला सिंगल ऑनर हूँ, ठीक है, मैंने ये देखें ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है इसके ऊपर, सही है, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा सही है, चलें ठीक है, अब जो है वो वाकई जो है वो आप इस बिजनेस के क्या है अकेले ऑनर है, तो वो फिर इन द फॉर्म ऑफ जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री उन्होंने आपको जो है वो एक जो है वो टूल दे दिया, सही है। उस टूल के अंदर बेसिकली ये है कि वो सेलर जिनको आपने ऑथोराइज नहीं किया हुआ इस ब्रांड को सेल करने के लिए, सही है, अगर आप चाहें तो उनको रहने दें, चाहें तो उनको क्या करें आप उड़ा सकते हैं, सही है। ये है बेसिकली एक हाईजैकर्स को जो है वो इस ब्रांड रजिस्ट्री का सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है वो जो चीज होती है कि मीन्स जो भी थर्ड पार्टी सेलर्स जो होते हैं, जो जिन जिनको आप नहीं जानते या जो कि आपकी सेल्स को जो है वो स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है तो उसके साथ एक टूल ये है कि आप जनाब उनको जो है वो अमेजोन को जस्ट सिंपल क्या करें, आप उनकी सेलर आईडी सही है और उनका स्टोर फ्रंट नेम लें और उधर अमेजोन के साथ जो है वो केस कर दें कि ये जो सेलर है ना ये हमने जो है वो वेरीफाई नहीं किए हुए, सही है, और ना ही जो है वो मैंने इनको ऑथराइज किया हुआ, ये एम है वो इस ब्रांड को जो है वो बेच रहे हैं, सही है। अमेजोन क्या करता है, केयर करता है ब्रांड्स की बेसिकली, सही है, वो सेलर्स की जो है वो केयर नहीं करता, ठीक है। इफ यू आर ब्रांड देन वो फिर आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। तो अभी हमने देखा था कि जब आपके पास जो है वो ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री नहीं थी तो अमेजोन आपकी कदर भी नहीं कर रहा था, वो बेसिकली क्या था, वो यही बात थी। अमेजोन क्या करता है, अगर आप एक ब्रांड है, ठीक है, फिर वो आपको क्या करेगा, आपको जो है वो आपको डिफरेंट प्रोटेक्शंस देगा, सही है, और भी डिफरेंट जो चीजें जो भी उसके एंड के ऊपर है वो आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप जो है वो सिंगल ओनर हैं, बस सिंपल से जो है वो एक सेलर हैं, तो फिर उसमें जो है वो अमेजोन आपको इस तरीके की जो फंक्शनैलिटीज है वो नहीं देता, सही है। तो क्योंकि अब जो है वो आप ट्रेडमार्क अमेजोन को ट्रेडमार्क नंबर दे के, सही है, आप एक जो है वो ब्रांड बने हुए हैं, अमेजोन की नजरों में आप ये है कि आप एक ब्रांड है, ठीक है, तो अब जो है वो अमेजोन कहता है कि यस, अगर जो है वो बिकॉज अब वो ब्रांड चाहे छोटा है या फिर बड़ा है, सही है, बट वो है तो ब्रांड ही ना, तो फिर अब जो है वो इस केस के इस स्टेप के ऊपर जो है वो अमेजोन आके जो है वो रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि ठीक है जी, ये जो सेलर्स हैं वो बेसिकली ये इस ब्रांड को जो है वो डैमेज कर सकते हैं, सही है, इन अथेंटिक प्रोडक्ट्स बेचकर, सही है, और जबकि ब्रांड ये कह रहा है कि मैंने इनको नहीं परमिशन दी हुई, तो फिर वो क्या करता है, फिर अमेजोन जो है वो उनकी बात सुनकर, सही है, जो ब्रांड ओनर होते हैं तो वो जो बाकी जो लोग इस तरीके से बैठे होते हैं उनको क्या कर देता है, वो जो है वो रिमूव कर देता है। तो जब जो है वो लिस्ट के ऊपर बाकी वाले सेलर ही नहीं रहेंगे तो देन डेफिनेटली आप अकेले रह जाएंगे, जब आप एक अकेले होंगे तो बाय बॉक्स क्या होगा, हमेशा आपके पास रहेगा, सही है, जब बाय बॉक्स आपके पास हमेशा से रहेगा तो देन डेफिनेटली जितनी भी सेल रहेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो जो है वो आपके ही जो है वो अकाउंट में आएंगी, ठीक है, मीन सारी सेल्स जो है वो आप लेके जा रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास एक बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री का, और हम ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो क्यों यूज करते हैं। अच्छा, ये तो जो है वो मैंने आपको एक फायदा बताया इसका, देन उसके बाद जो है वो हमने जो देखा था कि जो
आपके ऊपर आप देख रहे थे कि जो लिस्टिंग का जो पेज है उसके ऊपर जो है वो एक किसी किसी जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग में आखिर में जो है वो एक आपको इमेज भी नजर आ रही होती है, ठीक है। तो वो इमेज सॉरी एक वीडियो नजर आ रही होती है, तो वो जो वीडियो होती है सही है वो अमेजोन किन को अलाउ करता है, वो उन सेलर को अलाउ करता है जिनका जो ब्रांड जो है वो क्या होता है अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड होता है, सही है। तो अब हमें यहाँ से दो बातें पता चल गई, एक तो अगर जो है वो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होगी अमेजोन के साथ तो एक तो जो है वो आपको उन सेलर से प्रोटेक्शन मिलेगी, सही है, मतलब कि जो कि आपके ऊपर आके नाजायज आपकी लिस्ट के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, सही है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है वो आपको वीडियो अपलोड करने को ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, सही है। अच्छा देन उसके बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड ये होता है कि हमने देखा था कि किसी किसी डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी प्रोडक्ट की पेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि अमेजोन आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप इमेजेस वगैरह डाल लें, सही है। किसी के अंदर तो सिंपल टेक्स्ट होता है ना, सही है, किसी के अंदर हम देख रहे थे कि इमेजेस भी आ रही होती हैं, सही है। तो वो जो इमेजेस वाला पोर्शन होता है वो भी फिर क्या करता है अमेजोन ब्रांड वालों जिनकी ब्रांड रजिस्टर्ड होती है उनके साथ उनको अलाउ करता है। तो मीन्स हमें अब यहाँ से क्या बातें पता चली, एक तो आपको हाईजैकर्स वाला आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा, सही है, दूसरा आपको वीडियो अपलोड करने को मिल जाएगी, तीसरा जो है वो आप क्या करेंगे, अभी हम लिस्टिंग्स की ही बात कर रहे हैं तो लिस्टिंग के अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं जी, ये अपना इनहांस ईबीसी कंटेंट बना सकते हैं, मींस डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके अंदर जो है वो आप इमेज वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, सही है। अब ईबीसी के मुतल्लिक क्या ख्याल है, ईबीसी जो है वो अमेजोन का जो इंटरनल डाटा है, सही है, वो बेसिकली आपको ये बताता है कि एक ऐसी लिस्टिंग जिसके अंदर एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, और एक ऐसी लिस्टिंग जो कि जिसमें जो है वो ईबीसी हो, सही है, इन दोनों के दरमियान सेल्स कंपैरिजन का ये एक चार्ट होता है कि वो ईबीसी वाला जो है वो 5% ज्यादा सेल्स जो है वो ले जाता है, सही है। मींस के जो है वो अगर तो जो है वो आपका जो डिस्क्रिप्शन पेज है उसके अंदर भी आपने इमेजेस और अच्छी ईबीसी एक डिजाइन कर रखी है तो उसमें ये होगा कि बेसिकली वो 5% जो है वो, अगर एक जो सिंपल डिस्क्रिप्शन वाला है वो 100 ऑर्डर्स ले रहा है पर डे के, तो जो ईबीसी वाला बंदा होगा वो डेफिनेटली जो है वो 105 ऑर्डर जो है वो ले जाएगा, 5 ऑर्डर जो है वो उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, सही है, ड्यू टू उसके जो है वो ईबीसी पेज की वजह से। जो क्योंकि देखिए हम जो है वो अगर आप एक सिंपल भी देखें, सही है, अब मैं जो है वो आपको यहाँ पर बैठ के जो है वो बस कह दूं कि अच्छा ये काम यूं होता है ये काम यूं होता है, सही है, तो देन बहुत कम लोग जो होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, सही है। बट अगर जो है वो ये ह्यूमन की साइकी है, जब आप उसको पिक्टोरियल डाटा देते हैं, मीन्स के जो है वो विजुलाइजेशन जो है वो आप उसको देते हैं, वीडियोज एंड इमेजेस जो है वो देते हैं, सही है, तो वो फिर क्या करता है, वो जो है वो उसकी इन्हांसमेंट इन्हांस कर देता है, मीन्स के जो है वो जो उसकी किसी भी ह्यूमन की जो है वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उसको क्या कर देता है, इन्हांस कर देता है, मतलब के जो है वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो जब वो जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा तो देन डेफिनेटली वो उससे सेटिस्फाइड भी होगा, जब वो जो है वो सेटिस्फाई होगा तो वो बेसिकली उस बंदे से जो है वो खरीदना पसंद भी करेगा, सही है। तो और हमारा भी गोल क्या है कि हम जो है वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल्स ले सकें, सही है। तो इस केस में जो है वो क्या हुआ कि मतलब पता हमें यहाँ से ये चला कि अगर आप जो है वो ट्रेडमार्क लेकर ये अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इससे जो है वो आपको बहुत सारे जो आपके मिसाइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हेलो हल हो जाते हैं। अच्छा अब ये बात, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं लिस्टिंग के बाहर, ठीक है। अब जो है वो फिर अब पीपीसी के अंदर ना दो टाइप्स की कैंपेन चलती है, एक जो है वो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन की होती है और एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की होती है, सिंपल, ठीक है। तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन में क्या होती है कि मींस के जो हेडलाइंस ऊपर आ रही होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, सही है, तो वो उसमें जो है वो क्या करता है कि अमेजोन जस्ट उन्हीं सेलर्स को अलाउ करता है जिनका जो है वो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है अमेजोन के साथ, वो उन्हीं को जो है वो उस टाइप की पीपीसी अलाउ करता है। अदरवाइज वही यही कहता है कि अच्छा जिस तरीके से प्रोडक्ट्स आ रही है उसके अंदर मिक्स एंड मैच करके हम आपकी प्रोडक्ट्स दिखा देंगे, मीन्स के जो है वो जो हेडलाइन वाली ऊपर टाइटल में जो है वो अमेजोन के पेज के ऊपर जो आ रही होती है लिस्टिंग्स वो हम जो है वो आपको ऑफर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो क्या हुआ,
कि इसके अंदर जो है वो हमारे साथ जो है वो हम क्या क्या जो है वो इससे फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे जो चीजें है ना, ये जो हमने सभी सारी डिस्कस की हैं, तो इसकी जो है वो मैं आपको अमेजोन के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकली जो है भी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों के पास? ठीक है, सही मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। जो प्रोडक्ट है जिसकी हम लैब एग्जांपल लेते होते हैं स्टोरेज की, ठीक है, उसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, अब जो है वो जो हम बात कर रहे थे कि जो आपका जो है वो मींस के जो है वो हेडलाइन इसमें जो है वो आपके आ रहे होते हैं, तो ये देखें जिस तरीके से ये है कि जो स्पॉन्सर्स चल रही है यहाँ पर, सही है, ये अमेजोन जो है वो बेसिकली किसको अलाउ करेगा इस तरीके की जो, मुझे बता दें आवाज और स्क्रीन जो है दोनों आपके पास आ रही है तो जी जी सर आ रही है। चलो सही है। अच्छा, अब जो है वो इसमें क्या है कि ये हेडलाइन जो है वो ये स्पॉन्सर्ड है, ये देखें आप यहाँ पर जो है वो ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है वो मींस क्या कि ये वाला जो जो है वो पोर्शन है बेसिकली इसमें जो है वो ठीक है, ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है सारा ये आप जो है हेडलाइन जो है वो स्पॉन्सर के अंदर जो है वो क्या है ये आ रहा है, सही है। अच्छा, देन जो है वो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास आपने यहाँ पर देखेंगे आप, सही है, कि इसको रिमूव करना है। ये फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके पास इधर जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है। अच्छा, अभी देखिए आ रही है। सही है, तो मींस के जो है वो अमेज़न लोग जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता उनको इस तरीके की पीपीसी जो है वो अलाउ करता है कि जिस तरीके का ब्रांड चला सकते हैं। ये सर आवाज का इशू दोबारा हो रहा है। सर आवाज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अब इसमें अब जिससे जो है वो मैंने क्या किया था, इस प्रोडक्ट को जो है वो ओपन किया था। अब इस प्रोडक्ट को जो है अगर हम ओपन करके यहाँ पर देखें, सही है, तो ये देखेंगे जो है वो न्यू एंड यूज्ड फ्रॉम 3 सेलर्स। अच्छा, देख लेते हैं कि 3 सेलर कौन कौन से हैं। वैसे उस दिन हमने जो है वो बेसिकली ये चेक कर लिया था कि मिल एंड मिंट जो है वो एक ब्रांड रजिस्टर्ड है जो है वो उधर, सही है, USPTO पे हमने उस दिन जो है वो लास्ट जो है वो जो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था तो वो हमने वहाँ पर इस बात को वेरीफाई कर ही लिया था कि ये जो है वो ये जो मिल एंड मिंट जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और ये एक कैलिफोर्निया की कोई कंपनी है जिसने जो है वो कि ये 3 जो है वो लोग कौन से हैं। अब ये देखें जो है वो यही है, ठीक है, सी मोर पे देखते हैं, ये देखें जी, शिप फ्रॉम amazon.com, सही है, एंड सोल्ड बाय कौन, मिल एंड मिल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक तो बंदा यही है, सही है, जो कि इस लिस्ट का जो है वो ओरिजिनल ऑनर है, ठीक है, असल वाला। अब दूसरा कौन है,
chip from this amazon.com sold by amazon warehouse सही है एंड अगेन chip from this and sold by amazon warehouse अच्छा अब ये जो amazon अब समटाइम होता ऐसा है कि वो जो प्रोडक्ट्स कुछ आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं मीन्स कि जिनकी जो पैकेजिंग होती है वो बॉक्स पैकेजिंग होती है सही है तो अब वो जो ना अमेजोन की हैंडलिंग के दौरान वो हो जाती है डैमेज सही है उनका जो बॉक्स है ना वो होता है डैमेज हो जाता है सही है अब जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई भी इस प्रोडक्ट अगर ये बॉक्स के अंदर पैक होके गई है सही है अब आपको पता है वो जो डिलीवरी मैन होते हैं वो भी बॉक्स जो है मास्टर कार्टन उठा उठा के नीचे फेंक रहे होते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ यूनिट्स होते हैं जो उनकी जो एजेस होते हैं ना बॉक्स के सही है वो अंदर घुस जाते हैं मींस डैमेज हो जाते हैं सही है तो अब जो अमेजोन के हिसाब किताब में ना वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली न्यू नहीं रही सही है वो आप उसको जो है वो एज ए न्यू सेल नहीं कर सकते ठीक है तो फिर अमेजोन जो है वो क्या करता है जो अमेजोन के अंदर ये जो वेयर हाउस के अंदर जो अमेजोन की एक टीम जो होती है जो कि एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रही होती है वो फिर क्या करती है एक अपनी ऑफर लगा देती है ठीक है यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट को ले साइड ऑफ द आइटम आइटम विल बिकम रीपैकेज ठीक है कि मतलब जो है वो आइटम क्या होगा रीपैकेज हो गया आएगा सही है रीपैक्ड हो गया आएगा जेन्युइन पैकेजिंग में जो है वो ये जो है वो नहीं होगा ठीक है अच्छा अब जो है वो फिर इसमें क्या होता है मींस अमेज़न ने क्या किया वो जो आपके डैमेजिंग यूनिट्स थे ऐसे तो बना दो सही है तो मींस के इनको जो है वो हम क्या करते हैं इनको हम जो है वो बंद नहीं करते बिकॉज हमें पता है कि अमेजोन जो वेयर हाउस वाले हैं उन्हें भी यही चीज जो है वो बेच के क्या करना है अभी देखें ये 2684 किसने लगाई हुई है तो उन्होंने वो लगा दिए 2362 की बिकॉज उसने पैकेजिंग उन्होंने जो है पैकेजिंग वगैरह करनी है तो उसकी भी कुछ कॉस्ट आएगी ठीक और जो आपकी जेन्युइन पैकेजिंग वो डैमेज है तो इस वजह से जो है वो फिर क्या होगा लेस प्राइस के ऊपर कर मीन्स के अभी एक हाउस उसके अंदर कुछ डैमेज होंगे तो उन्होंने ये प्राइस लगा दी है सही दूसरे वेयर हाउस के अंदर आपको कुछ डैमेज यूनिट है तो उन्होंने आपकी ये प्राइस लगा दिया है अच्छा उनके पास स्टॉक भी कितना एक यूनिट जो है वो डैमेज हुआ हुआ और इधर भी क्या हुआ है एक यूनिट जो है वो डैमेज हुआ हुआ है सही है तो अब इस केस में जो है वो होगा क्या आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है डिस्टॉर्शन है काफी वॉइस में अच्छा या तो मेरे एक सलूशन इसका यही है कि मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं ऐसा कर लें सर लेकिन सर आज हम 10 मिनट जो चुप कर तो नहीं मिल सकते हैं जी सर एक्चुअली सर आज ये नेट का ना हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है इस हाँ वो जो है वो मैं देख रहा हूँ जो है वो पीसी ना खुद बुद्धि ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्ट हो जाता है नहीं नहीं सर खुद ज्वाइन हो जाएंगे मोबाइल से और इधर से लैपटॉप भी हो जाएगा ज्वाइन
जी आप बताएं, अब आवाज आ रही है? जी सर अब ठीक है। अच्छा चलो सही है। अच्छा अब जो है वो इसमें बेसिकली होता क्या होता है कि ये जो अमेज़न आपके जो वेयर हाउस वाले ये जो लोग बैठे होते हैं, सही है, मैं वो ये बता रहा था कि इसको जो है वो हम फिर हम बॉदर ही नहीं करते इनको ना, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने भी बेच के क्या करना है, ये जो पैसे होंगे वो हमारे अकाउंट में क्या करेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे कि अच्छा ये आपके डैमेजिंग यूनिट्स थे, सही है, तो वो हमने जो है वो बेच के लो प्राइस में ये आपके जो है वो पैसे आपको दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके जो है वो अमेज़न वेयर हाउस वाले आपकी लिस्ट के ऊपर आके इस तरीके से ऑफर लगाते हैं और आप यहाँ पर देखते भी हैं कि अच्छा एक इसके पास है, एक इसके पास है, दो सेल से हमें जो है वो कोई इतना बड़ा मीन्स के जो है वो कोई हमारा वो नहीं होने वाला, कोई लॉस वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है, तो इट्स ओके यहाँ तक की। बट जो है वो अगर आप किसी सेलर को देखें जनाब, वो जो यूनिट्स बल्कि ज्यादा लेके बैठा हो, सही है, मीन जो है वो 500 600 यूनिट लेके बैठा हो आपकी सेल्स की आपकी लिस्ट के ऊपर, सही है, तो उसको तो हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हम उसको जो है वो फिर क्या करते हैं रिमूव करवाने की जो है क्या करते हैं फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है वो एक तो हमें जो है वो ये फिर हमें यहाँ से इसका जो है वो फायदा मिल जाएगा का ब्रांड रजिस्ट्री का, यहाँ पर जो है वो ये देखें आप जिस तरीके से यहाँ पर आपको सिंगल सेलर जो है वो नजर आ रहा है, वही आपको सिंगल जो है वो सेलर मिलेंगे इस तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखें जिस तरीके से यहाँ पर ये 66 लोग जो है वो बैठे हुए हैं अपनी ऑफर्स लगा के, सही है, इस तरीके का ये आपको जो है वो सीन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी जो है वो हम देखते हैं कि जो है वो अभी देखें ये देखें इसके पास जो है वो ये देखें कितने कितने ये 81 यूनिट इसके पास है बेचने के लिए, सही है, एक यूनिट इसके पास है, इसके पास भी एक यूनिट है, और इसके पास 30 यूनिट है, इसके पास 55 यूनिट है, सही है, इसके पास 3 यूनिट है, सही है, और इसके पास 999 प्लस यूनिट है, मीन्स कि ये बहुत बड़ा सेलर है, सही है, इसने बहुत ज्यादा स्टॉक जो है अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा हुआ है, सही है, मीन्स 1000 प्लस यूनिट है इसके पास। तो अब इस तरीके का जो है वो सीन हो जाए हमारे पास, तो आप देखें जो है वो कितने लोग बैठे हुए, फिर सेल्स कहाँ जाएंगी और आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी कहाँ रिकवर होगी। तो फिर इस वजह से जो है वो फिर क्या होता है कि जो ब्रांड रजिस्ट्री का एक फायदा होता है कि वो आपको इस तरीके की प्रोटेक्शन देती है, ये फिर ये जो है वो फिर मीन्स के जो लोग होंगे बेसिकली वो आपको जो है वो इस तरीके से आपके आपके उसमें अकाउंट में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट एटलीस्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे, सही है। तो एक तो जो है वो आपको ये इसका फायदा मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन भी स्टॉप हो गई हुई है, इंटरनेट को पता नहीं क्या मुसीबत हुई आज। सही है जी। अच्छा एक तो इससे जो है वो क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि अच्छा ये जो सेलर हैं वो बेसिकली रिमूव हो जाएंगे, सही है, और दूसरी हम क्या बात कर रहे थे कि पीपीसी के अंदर जो है वो हमें हेल्प मिल जाएगी कि हमारे जो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड ब्रांड एज ए स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी जो है नजर आ रही होगी। अब तीसरी इसमें बात क्या होगी कि यहाँ पर इसने जो है वो ये इमेजेस यूज नहीं सारी इमेजेस यूज की हुई है, सही है, वीडियो नहीं अपलोड की हुई, बट यहाँ पर ये वीडियो अपलोड कर सकता था, ये इसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो इसके पास ये ऑप्शन जरूर होगी। अब इसने यूटिलाइज नहीं की तो ये अलग सी बात है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो इधर इसको जो है वो नीचे लेके आते हैं, सही है जरा, तो अब ये देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखें जो है वो ये आपको जो है वो एक पेज नजर आ रहा है बेसिकली, जिसके अंदर जो है वो इसने टेक्स्ट और इमेजेस का जो है वो कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं इस वाले पोर्शन को ईबीसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईबीसी। अब इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं,
ये अच्छा, अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि जो लोग न्यू आए हुए हैं उनकी जो है वो अभी कोई मतलब के एबीसी नहीं बनी होगी। अच्छा, अब हमने जो है वो इसको क्या कर लिया, अब हमने इसको सॉर्ट कर लिया न्यूएस्ट अराइवल वाइज। ठीक है, तो ये अब न्यू आया हुआ है, ठीक है, ब्रांड न्यू है बिल्कुल, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसको देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट पेज कैसा है। ये देखें आप जिस तरीके से, अब आप इस प्रोडक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पर देखें सिंपल आपको जो है वो क्या नजर आ रहा है, टेक्स्ट नजर आ रहा है, सही है। और अब इस प्रोडक्ट की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, ये सही है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसकी जरा अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो ये देखें इसमें अंदर जो है वो इमेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, ये उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, ईबीसी है, इसको बोलते हैं इनहांस ब्रांड कंटेंट, इसका नया नाम ए प्लस कंटेंट है, सही है, ए प्लस, जस्ट ए के साथ ए एन प्लस, इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट, सही है, ए प्लस कंटेंट फॉर अमेजोन, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ये मीन्स के जो है वो बता देता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांडेड एसेंस, ठीक है, ब्रांड स्टोरी, इनहांस्ड इमेजेस एंड टेक्स्ट प्लेसमेंट में, सही है। तो सेम इसी तरीके से जो है वो अगर आप क्या लिखेंगे ईबीसी, सही है, तो ये भी क्या होता है आपके पास, सिंपल वही आती है आपके पास के जो है वो ये इमेजेस एंड टेक्स्ट प्लेसमेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ए प्लस उसका जो है वो क्या है, एक नया नया, ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर एक जो है वो हाईजैकर रिमूव हुआ है, सही है। नंबर दो जो है वो अगर हम देखते हैं, यहाँ पर किसी ने वीडियो भी डाली होगी, वो गार्लिक प्रेस वाली जो है उसके अंदर डाल रखी है लोगों ने, वो ओपन कर लेते हैं। सही है, इसको ओपन करते हैं। इसको देखिए, अब ये देखें जैसे ये है, सही है। अब इसके एंड में क्या आ रही है, जो है वो ये देखें आप, जो है वो इधर वीडियो आ रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो है वो मीन्स अमेज़न ने अब आपको ये भी अलाउ कर दिया कि आप जो है वो इधर वीडियो डाल दे रही है, तो अब ये जो है वो वीडियो चलेगी, तो मीन्स जिसके अंदर आप, अब आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर उसको बना जुना के जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो क्या होगा कि चले जो है वो मीन्स कि जो आपकी कन्वर्जन है बेसिकली वो क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है इससे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पता चल गया कि अच्छा जो है वो ईबीसी वालों को एक एक फैक्टर जो है वो इमेजेस का भी मिल गया, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है वो उनके लिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी है, उसके लिए हाईजैकर भी, रिमूविंग फंक्शनैलिटी एंड सो ऑन, इस तरीके से, सही है। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास एक फर्क होता है, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री का अमेजोन के ऊपर, सही है। अब ये वाले बंदे को ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, जबकि जो है वो जिस बंदे ने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है उसको ये भी चीज अवेलेबल होगी, ठीक है। इसने ईबीसी भी डेफिनेटली बनाया होगा, तो इसने भी जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सिंपल रखी हुई है, अभी ईबीसी भी जो है वो नहीं बनाई, सही है। तो ये है मींस कि जो कि आपको कुछ जो है वो जो कि हमें ट्रेडमार्क और ईबीसी के जो है वो हमें जो फायदे होते हैं, सही है। ये हम इसको, आप इसको जो है वो ये कह सकते हैं, सही है। इसमें जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दें। सही है सर, ये जो ईबीसी कंटेंट राइटिंग है, ये तो ब्रांड जब हमारा अप्रूव्ड हो जाएगा तब जाके लिख सकते हैं ना, ऐसे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मीन्स कि जब अमेज़न ने आपका ब्रांड अप्रूव कर दिया, फिर क्या होता है कि फिर आप जो है वो एसन इनरोलमेंट होती है, ब्रांड अप्रूवल के बाद ना एसन इनरोलमेंट होती है। अब जो है वो, अब जिस तरीके से ये बंदा जो है वो क्या है, ये वाला मिंट एंड मिल वाला, ठीक
सही है। इसका अगर स्टोर फ्रंट ओपन करते हैं, ठीक है, अभी मेरे पास में न्यू आया हुआ 72 रेटिंग्स है। अभी देखें ये है, अब इसने क्या किया हुआ है, एक प्रोडक्ट तो ये लॉन्च कर रखी है, इट्स रिजल्ट है इसके अंदर इश्यूज। अब एक इसने ये लॉन्च कर रखी हुई है, सही है, ठीक है। अब फिर हम जो है वो क्या करते हैं, मिल एंड मिंट वाले जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। सही देखें जो है वो 8 इसके अंडर, इस ब्रांड के अंडर जो है वो बेसिकली कितनी है, 8 प्रोडक्ट्स हैं, सही है। ये म्यूट करके बैठा करें प्लीज, सही है। अच्छा अब जो है वो फिर उसके बाद क्या होगा, जब इसकी अब अमेजोन ने इसको मिल एंड मिंट के ऊपर जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री दे दी हुई है, फिर ये कहेगा अच्छा ये वाला एसन जो है जेबीसी ब्रांड के अंडर आता है, ये वाला एसन जो है वो एबीसी ब्रांड के अंडर आता है, ये भी इसी ब्रांड के अंडर आता है, सही है, और ये वाला एसन भी इसी ब्रांड के अंडर आता है। इस तरीके से ये सारे एसेंस की जो लिस्ट है ना वो उठा के अमेजोन को देगा, और फिर अमेजोन जो है वो उनको वेरीफाई करने के बाद कहेगा कि अच्छा यस ठीक है ये सारे जो एसन है ये इस ब्रांड के अंडर आते हैं, तो वो उनको क्या कर देगा, उस ब्रांड के अंडर इनरोल कर देगा। वंस वो उस ब्रांड के अंदर इनरोल हो गए, सही है, अब जो है वो आपको क्या होगा, अब आपको जो है वो इन एसेंस के अंदर जो है वो ईबीसी जो है वो डिजाइन करने को ऑप्शन खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है जी, जी और किसी की कोई बात, और ये मैंने आपको नोट्स के अंदर भेज रहा हूँ, ये सब लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये है आपको अकाउंट साइन अप करने के लिए, ये सारी चीजें चाहिए आपको, ओए ओए। किसका, मींस जो है वो आपने इसका कुछ नहीं करना, इनको जो है वो कॉपी पेस्ट करके साइड पर रख लें, सही है। और कल कला को कोई आपका जो है वो भी बंदा जो आपको मिलता है वो कहता है कि अच्छा मैं आपको जो है वो अमेजोन का जो सदर अकाउंट है वो बनाने में आपकी हेल्प कर दूंगा, उसमें बताएं इसके लिए जो है वो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो वो फिर आप उनको जो है वो ये बता सकेंगे जनाब मुझे ये चीजें जो है वो चाहिए, सही है। ये डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली वो जो लिस्ट है जो कि आपको क्या होगी चाहिए होगी, समझ लगी है। देखिये सबसे पहली बात तो जो ये है ना कि वो अमेजोन आपको जो है वो सदर अकाउंट में चाहिए अमेजोन के ऊपर, वो है ही नहीं, तो वो फिर आप जो है वो उसके अच्छा आपके जो कंट्री है वो बेसिकली जो है वो सदर अकाउंट की लिस्ट में होना चाहिए, अब वो तो आपके पास है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, सही है। सदर अकाउंट की रिक्वायरमेंट ये मैंने आपको भेजी है ना, सबसे पहले तो जो है वो आपका जो बेसिकली जो लिस्ट है, सही है, वो जो है वो सेलर अकाउंट की ना एक लिस्ट है जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक मिनट, Amazon seller countries allowed list, ठीक है,
जी, इसमें जो सबसे पहला जो काम है ना आपका बेसिकली, वो ये है कि आपका आप ना इस किसी मुल्क के अंदर रहते हो, ये वाली जो मुल्क की लिस्टें है ना, सही है, ये जो कंट्रीज की लिस्ट है, इन कंट्रीज के जो बाशिंदे हैं, सही है, उनको अमेज़न अलाउ करता है कि वो आके अपना अकाउंट जो है वो बेसिकली बांग्लादेश को भी अलाउ करता है। जी बिल्कुल, बांग्लादेश को भी अलाउ, पाकिस्तान को नहीं करता। ये ऐसे ही है अब, क्योंकि बिकॉज जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो इस वजह से जो है वो बेसिक अमेज़न ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। तो उसके अलावा फिर हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है ना, हम लोग जो है वो फिर सर इंडिया भी तो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। किस चीज में सर? ये कि पाकिस्तान को असेस ना हो रहा है इंडिया में, सुना है आप इसका हेड ऑफिस इंडिया में ना सर? हाँ जी, तो हेड ऑफिस तो नहीं है, कस्टमर सपोर्ट जो है वो बेसिकली इसकी इंडिया के अंदर है। तो सर इंडिया फिर कहाँ मेन के फेवर में होगा? तो इंडोनेशिया में भी है। हाँ जी, वो जो है वो ये आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये लिंक जो है वो शेयर कर देता। नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वीपीएन से जो है अमेज़न वेरिफिकेशन मांगते हैं तो उस केस में आप फंस जाते हैं, और वीपीएन उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जो आपका वीपीएन डिटेक्ट कर लेता होता है वो जो है वो दुनिया। बट जो है वो आप ये देखें कि वो एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, सही है, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर लीड कर रही है, उनके पास ऑलरेडी जो है वो लिस्ट होती है कि कौन सी कंपनीज क्या कर रही है, वो लोग जो है वो पैसे दे के जो है वो डाटा निकलवा लेते होते हैं, सही है। तो ये होता है, सही है, इसमें तो आप जितने मर्जी स्मार्ट बन जाए वो पकड़ लेते होते हैं, उनके सिस्टम इतने जो है वो होते हैं फास्ट। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप इस कंट्री के जो है वो क्या हो, सिटीजन हो। ठीक है, ये जो भी जितनी भी ये कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, सही है। अच्छा, अब जो है वो अगर आप सिटीजन नहीं है तो आप समझते हैं कि आपका कोई अजीज या करीबी रिश्तेदार जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, सही है। तो विद इन जो है यूएस, सही है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको बेसिकली ये काम करना पड़ेगा। एक मिनट में जरा नोट्स यहाँ पर ये देख लो जरा कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है जी, ये है, आपको नेम ऑफ इंडिविजुअल चाहिए होगा, सही है, उस बंदे का नेम चाहिए होगा जो कि इस कंट्रीज के अंदर रहता हो, उसकी एक ईमेल आईडी, सही है, जो कि कहीं किसी और जगह पे यूज नहीं हुई हो, मतलब कि किसी और अमेज़न के कैटलॉग के अंदर नहीं आई हुई हो, अदरवाइज जो है वो अगर एक ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपके दो अकाउंट इस तरीके से रजिस्टर्ड हुए तो वो आपस में लिंक हो जाएंगे, जब वो लिंक हो जाएंगे तो फिर अमेज़न क्या करेगा, आपको जो है वो क्या करेगा, पकड़ लेगा, सही है। अच्छा, अब फिर उसके बाद एड्रेस भी सेम यही कि आपका यूनिक एड्रेस होना चाहिए, सही है, उसके कैटलॉग में अगर दो जो है वो दो अकाउंट एक सेम एड्रेस के ऊपर आ गए तो आपने अमेज़न की जो है वो रूल्स उसकी वायलेशन की है, तो आपके दोनों अकाउंट क्या कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। एंड सेम फॉर क्रेडिट कार्ड, सही है, क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए, अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स इंक्लूडिंग अकाउंट टाइटल, जो आप नेम ऑफ इंडिविजुअल देंगे वो आपके अकाउंट टाइटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सही है, बैंक राउटिंग नंबर, सही है, एंड बैंक अकाउंट नंबर आप उसको दे देंगे। एसएसएन बेसिकली क्या होता है, एसएसएन जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो
एक यू टाइप आप समझ लें कि एक जो है वो एक एक टाइप का जो है वो सर्टिफिकेट आप जिसको बोल लें कि जो है वो यूएस वाले आपको अलाउ करते हैं सही है, जिसको आप जो है वो सेल्स टैक्स नंबर या इस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता होता है, ठीक है, वो आप जो है वो उसको देंगे अपना ये SSN जो है वो ये है सही है, और इसी की बेस ये जो है वो जो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते होते हैं तो उस वक्त जो है वो SSN पेपल भी आपका मांगता होता है सही है। उसके बाद जो है वो ये आप चीजें दे के अमेजोन को जो है वो अकाउंट साइन अप कर देंगे, अमेजोन उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद आपको कहेगा कि मुझे जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दे दें या फिर जो आपका पासपोर्ट है उसकी कॉपी दे दें सही है, आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे या फिर पासपोर्ट की कॉपी जो है वो उसको स्कैन करके दे देंगे एंड देन उसके बाद वो आपसे क्या कहेगा कि मुझे एक यूटिलिटी बिल भी दे दें। अच्छा इस सारे प्रोसेस में फिर आपसे जो है वो बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की जो है वो स्टेटमेंट वो मांग सकता है सही है। अच्छा और उसके बाद क्या है कि मीन्स कि अमेजोन आपसे कॉन्टेक्ट करेगा तो उसके लिए फिर जो है वो तो उसके लिए यही फिर होगा कि जो है वो आपको जो है वो एक वर्किंग सेल फोन नंबर चाहिए होगा सही है, जो कि इसके लिए भी सेम वही हो कि जो आपने कहीं और यूज नहीं कर रखा हो किसी और अकाउंट के अंडर जो है वो यूज नहीं हो सही है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीज बताने का मकसद क्या था वो ये था कि अमेजोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक बंदा दो अकाउंट नहीं बना सकता सही है, और अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो ऐसा करेंगे तो फिर आप अमेजोन के अगेंस्ट जा रहे होंगे, और अगर अमेजोन ने आपको जो है वो पकड़ लिया इसके ऊपर तो फिर वो क्या करेगा आपको पेनलाइज कर देगा, तो आपके जो दोनों अकाउंट है वो बेसिकली क्या कर दिए जाएंगे सस्पेंड कर दिए जाएंगे सही है। अच्छा अब ये देखें इधर से जो है वो इधर तो यही है कि नहीं बन सकता आपका पाकिस्तान से बैठ के आपको अकाउंट नहीं बन सकता, ये इसके लिए आपको जो है वो हेल्प चाहिए होगी किसी ना किसी बाहर के बंदे की जी। अच्छा उसके बाद अच्छा और क्या था SSN जो है वो क्लियर हो गया और सर ये जो अमेजोन के अप्रूव्ड कंट्रीज हैं इन जिनसे अकाउंट बनता है ये एक बंदे का सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं? वो हमने अभी बात मैंने आपको बता दी है कि एक बंदे को जो है वो एक अकाउंट अलाउड है सही है। अच्छा अब जो है वो पाकिस्तान अमेजोन में नहीं चलता सही है, इसका जो बायर अकाउंट है वो बेसिकली चल जाता है, आप बायर अकाउंट तो आप किसी भी कंट्री से जो है वो बना सकते हैं सही है, लेकिन जो सेलर अकाउंट है मीन्स बायर अकाउंट से क्या कर सकते हैं जस्ट सिर्फ आप जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं जाके सही है, लेकिन जो सेलर अकाउंट है उससे उस जी सर्विसेज देते हैं इस तरीके के लोग सर्विसेज देते हैं आप उनसे परचेज कर सकते हैं। हाँ जी $1,000 में मिलता है आपका 1,67,000 में, तो आप उसको जो है वो विद इन जो कि LLC के ऊपर आप ग्रेडेड होता है तो आप यूज लेके आप जो है वो उसको भी यूज कर सकते हैं सही है। अच्छा फिर जो वो अब जो बायर अकाउंट है उससे तो आप कहीं से भी जो है वो सेल परचेज शॉपिंग बेसिकली कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, बट जो सेलर अकाउंट है वो आप जो है वो नहीं कर सकते बना सकते, तो इस ये जो कोर्स है बेसिकली इसका नेम है अमेजोन VA के वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली काम नहीं होता कि अपना कोई भी अकाउंट बनाए वो, ठीक है, वो क्या करता है वो बल्कि असिस्ट करता है उन लोगों को ठीक है जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं और एक लार्ज स्केल के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो इस वजह से वो फिर क्या करते हैं एक कोई जो है वो वर्चुअली जो है वो कोई असिस्टेंट जो है वो हायर कर लेते हैं, तो मीन्स के इसके बदले में ये होता है कि मीन्स एक जो वर्चुअल असिस्टेंट की जो पे होती है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपके जो हमारी गवर्नमेंट हमें पे करती है या जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है तो वो उससे कई गुना ज्यादा होती है, मीन्स के जो आप इसका आइडिया यू लगा लें कि जो एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो $500 से $1,000 जो है वो इजिली मंथली अर्न कर सकता है, तो मीन्स के जो है वो 480,000 टू 170 तक 1,70,000 तक जो है वो आप इतने तक जो है वो आप अर्न कर सकते हैं सही है। तो ये बेसिकली जो है वो इस कोर्स का मकसद बेसिकली ये है ठीक है।
इस कोर्स का मकसद आपको जो है वो सेलर बनाना नहीं है बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट बनाना है। अब जो है वो अब आप देखते हैं कि जब एक दुकान के ऊपर कोई भी बंदे ने जो एक मुलाजिम रखा हुआ है सही है, आप उसको हम अपनी जबान में इसको मुलाजिम कहेंगे सही है, इधर जो है वो असिस्टेंट बोलेंगे सही है। तो अब बेसिकली क्या होता है उस मुलाजिम जब मुलाजिम जो है वो काफी अरसे से उसके साथ ठहरा होता है सही है, उसको पता होता है कि क्या बिजनेस में इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है सही है, तो देन इवेंचुअली जो है वो क्या होता है कि वो एक दिन ऐसा आता होता है कि सही है जो जब वो उस पूरे बिजनेस साइकिल को समझ जाता है सही है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज यहाँ पर चलने वाली है, ये मार्केट की डिमांड है ये मार्केट की डिमांड नहीं है ये। तो फिर आप देखते होंगे कि जो लोग मीन्स के जो जॉब किया करते थे वो आप अपने छोटे मोटे जो है वो शॉप बना लेते हैं सही है, तो वो एक जो है वो सेलर वो जो अकाउंट है मीन्स अमेज़न के ऊपर बेचना जो है वो खुद से वो एक अलग सी बात है, वो आप बाद में जाके कर सकते हैं सही है, जिसके लिए एक पैसे भी जो है वो चाहिए होते हैं सही है। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि आप इस चीज को सीखें सही है, दूसरों जिन लोगों ने जो है वो ये काम कर रखा है आप उनकी हेल्प करें सही है, ताकि जो है वो मीन्स ये इंफॉर्मेशन लेके ताकि ये क्या हो कि आपकी एक पॉकेट मनी भी बने साथ साथ, और क्या हो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, आपको पता चले कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली हो क्या रहा है सही है। जी बेसिकली सही है, आप ऐसे ही जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के किसी भी क्लाइंट का जो अकाउंट है वो बेसिकली मैनेज कर सकते हैं, और एक जो ईमेल है उसके ऊपर आप जो है वो मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट जो है वो जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें होता है बेसिकली क्या है कि एक होता है आपका मेन अकाउंट ठीक है, और एक होता है आपका चाइल्ड अकाउंट सही है। मेन और चाइल्ड में क्या फर्क होता है, मेन अकाउंट तो वो है कि जो बेसिकली मेन अकाउंट होगा जो इस बंदे के नाम पे जिन आपने साइन अप किया होगा। अब वो कहता है अमेज़न क्योंकि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस अकाउंट को मैनेज करूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना एक अकाउंट दे दें जो कि एक लिमिटेड से जो है वो ऑप्शंस के साथ हो, जो कि मैं अपने किसी वीओ को दे दूं सही है। तो फिर उसमें ये होता है कि अमेज़न कहता है अच्छा सही है मुझे लाएं उसकी आप ईमेल दें, मैं उसके ऊपर जो है वो उसको एक्सेस दे दूंगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं वीए को अपने को कि मुझे अपनी कोई ईमेल दो, वो वीए आपको जो है वो आपको अपनी कोई ईमेल देता है, उसके ऊपर जो है वो आप उसको इन्विटेशन भेजते हैं सही है। तो जब वो इन्विटेशन आती है तो फिर जो है वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर उस सेलर के पास होता है कि वो जो जो ऑप्शन इनेबल करता जाता है वो ऑप्शन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं आते जाते हैं ठीक है। अच्छा ये होता है सही है। सर मैंने सुना है अगर ये सेलर कोई गलती से वीए को इधर पाकिस्तान में अगर अपना अकाउंट की एक्सेस दे दे तो उससे उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। होता नहीं, चाइल्ड अकाउंट नहीं, मेन अकाउंट अगर, हाँ मेन अकाउंट अगर आप दे दे तो फिर उससे जो है वो ब्लॉक होने के होते हैं चांसेस है। तो अगर जो है वो चाइल्ड अकाउंट से नहीं को प्रॉब्लम होता सही है जी। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अकाउंट वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने कोर्स किया या जिन्होंने नहीं किया वो भी बना सकते हैं। देखिए अकाउंट की जो है वो कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी बना सकता है जिस जो कि इन कंट्रीज के अंदर रहता हो सही है, और उसके पास जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स हो तो वो जाके अमेज़न के ऊपर साइन अप कर सकता है। अमेज़न को जो है वो इससे बेसिकली कोई लेना देना नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आप फ्रेश हैं या जो भी हैं आप सही, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप जो है वो वैसे अमेज़न के ऊपर आ गए हैं अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए या व्हाट्सएवर जो भी है, अमेज़न को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अमेज़न जस्ट ये डिमांड करता है कि आप इस कंट्रीज में हो सही है, आप इस कंट्रीज के सिटीजन हो ठीक है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि हाँ तो वो जो है वो आप इस कंट्रीज के अंदर जाएंगे सही है, तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम आएगी ना कि आप बैंक अकाउंट जो है वो बेसिकली कहाँ से लेंगे, बैंक अकाउंट नहीं मिलते होते ऐसे, ये तो पाकिस्तान है, इसके अंदर जो है वो आप जनाब जितने मर्जी चाहे जो मरे हुए बंदे के भी आप जो है बैंक अकाउंट जो है वो बना रहे होते हैं सही है। एक बंदा जो कि पता नहीं कोई 10-12 साल पहले जिसकी डेथ हो गई थी उसका बैंक अकाउंट लेने चल रहा है सही है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता होता, वहां तो जो है वो आपको एड्रेस कहाँ से आएगा आपके पास सही है, आप तो जाके जस्ट जो है वो रहेंगे ना सही है। अच्छा एड्रेस आप कहाँ से लेंगे,
सही है। अच्छा फिर उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड है वो आप कहाँ से लेंगे? क्रेडिट कार्ड ऐसे दे देंगे आपको बैंक वाले, आपको जो है वो आप तो एक मेहमान आए हुए हैं सही है उस मुल्क के अंदर, तो आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा? अच्छा क्रेडिट कार्ड जनाब, फिर जो है वो तो उसके बाद जो SSN नंबर है वो कैसे मिलेगा आपको? वो नहीं मिल सकेगा सही है। और फिर जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो तो बेसिकली पाकिस्तानी होगा ना सर। ये SSN नंबर क्या होता है? इसको जो है वो ऑलरेडी जो है वो इसको डिफाइन किया अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो इन्होंने सही है। तो उसके बाद अमीन जो है वो SSN जो है वो जो भी US के सिटीजन होते हैं सही है, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिस तरीके से आपको एक CNIC नंबर होता है इसी तरीके से जो है वो उनका एक SSN नंबर होता है सही है, जिससे जो है वो SSN नंबर डालते हैं तो उन्होंने जो भी कोई कारनामे कर रखे होते हैं पीछे, जो भी उनकी ट्रांजेक्शन डिटेल होती है वो सारी की सारी जनाब आपके पास आई हुई होती है। सर ये हम पाकिस्तान में आते हैं हमारा भी होता होगा SSN नंबर? मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे तो नहीं लगता, मेरी भी लगता नहीं, यहाँ नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता ऐसा। तो फिर पाकिस्तान में हमें SS कैसे मिलेगी? हमें पहले सबसे पहले ये बनवाना होगा। लेकिन जब जो है वो अच्छा ये तो जो है वो US की हम बात कर रहे हैं ना कि US के अंदर आपको ये डिटेल्स आएंगे, अगर पाकिस्तान सेलर कंट्रीज की लिस्ट में आ जाता है तो फिर वो देखेंगे कि यहाँ का क्या प्रोसीजर है सही है, कि यहाँ पर कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जो कि एक बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सही है, तो वो फिर जो है वो उसके ऊपर जो है वो आपको आपसे वही डिमांड करेंगे सही है। तो फिर जो है वो चलें जी, फिर आप पासपोर्ट आपने पासपोर्ट तो जो है वो आप नहीं बनवा सकते ना, तो जो है वो आप अमेरिका में जाके कहें जी मुझे अमेरिकन पासपोर्ट दें, वो तो आपको देने से रहे, फिर आप उसके ऊपर फंस जाएंगे। फिर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है चले आप अमेजोन कहेगा अच्छा नहीं पासपोर्ट चले दिए आप मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी दें, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से लाएंगे? फिर यूटिलिटी बिल है, फिर बैंक स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में तो मींस के बहुत कम लोग इजीली अपनी बैंक स्टेटमेंट बताते होते हैं। मींस क्या सर? जब हम किसी से कहेंगे कि हमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जब बात आएगी बैंक स्टेटमेंट की तो सर क्या वो इजीली हमें बता देंगे कि हमारे यहाँ जी ये स्टेटमेंट है बैंक की फला फला? नहीं वो तो आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स भी होगी कि अमेज़न की के जी आपके जो है ना अकाउंट्स में लमसम इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अमेज़न जैसे हैव अ बैंक स्टेटमेंट आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज करता है सही है, कि मींस के जो आपने नेम वगैरह दे रखे हैं क्या वो जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी आइडेंटिटी ऐसा है कि नहीं है ये? सर जी मुझे ये पूछना था, मेरी एक जानने वाली लड़की है उन्होंने ना यहाँ मियां चनो में ना अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कोई काम शुरू किया था, वो कह रही थी कि मैंने उससे काफी मतलब प्रॉफिट हासिल किया है लेकिन किसी इनवाइस में कोई मिस्टेक की वजह से ना उनको बैन कर दिया। सर मेरे ख्याल में इनवाइस की वजह से दोनों ही, शायद ड्रॉप शिपिंग की वजह से उन्होंने बैन किया होगा उसको अमेज़न। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या, मियां चनो जो है वो बड़ा मशहूर है ड्रॉप शिपिंग के लिए सही है। अच्छा तो उसमें बेसिकली होता यूँ होता है कि अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप अमेज़न के ऊपर आके आप कोई भी चीज जो है वो सेल कर रहे हैं, लाइक ये बंदा जो है वो ये बंदा सही है, अब ये बंदा जो है वो आके सेल कर रहा है सही है, तो अमेज़न जो है वो किसी भी टाइम इसको तो हम बेसिकली नहीं कह सकते क्योंकि इसका अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड है सही है, ये है जिस तरीके से सही है। अच्छा अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ये है सही है, ये जो सेलर है केसी फोन गाइस वाला सही है, ये जो है इधर ये चीज आके बेच रहा है, अब अमेज़न का बॉट कभी भी इसके ऊपर ट्रिगर आ सकता है सही है, कभी भी वो इसके ऊपर ना अपना मींस कि ये कभी भी जो है वो रेड अलर्ट आ सकता है इसका सही है, और जब जैसे रेड अलर्ट आया ना तो अमेज़न ने इसको कहना है कि अच्छा मुझे लाएं जरा जो आपके पास ये जो आपने ये जो आप ये जो चीजें यहाँ पर बेची जा रही है वाली प्रोडक्ट ये आपने खरीदी कहाँ से, जरा मुझे इनवॉइस दे सही है। अच्छा अब जो है वो इसके पास अगर इनवॉइस होगी ठीक है, और मींस के इनवॉइस अगर इसके पास है तो फिर तो ये दे देगा तो बच जाएगा, अगर तो जो है वो इसने कहा कि जनाब इनवॉइस तो है नहीं तो ऐसे करते हैं कि किसी की अब इनवॉइस नहीं देगा तो फिर डेफिनेटली फिर भी जो है वो अमेज़न इसको यहाँ से उठा देगा, और अगर जो है वो क्या करेगा अगर इसने जो है वो ये चलाकी की, अब कुछ लोग जो है वैसा करते हैं मैं आपको बताता हूँ,
वो क्या करते हैं कि ये जो इनवॉइस होती है ना बेसिकली उसको ना एडिट कर लेते हैं सर ये फोटोशॉप के अंदर, सही है, और फिर वो एडिट वाली इनवॉइस जो है ना वो फिर अमेजोन को भेज देते हैं। अब अमेजोन को पास बेसिकली इस तरीके के एडवांस सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम हैं जो कि आपको बता देते हैं कि अच्छा इस ये जो सॉफ्ट फॉर्म है इसके ऊपर जो है ना यही है जो है वो एडिटिंग की गई है, मीन्स के ओरिजिनल ये चीज है, सही है, और अब जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये चीज है, मीन्स के अब आपको जो है इन्होंने मीन्स के इन्होंने जो है वो आपको मॉडिफाई करके दिया है। तो इस केस के ऊपर जो है वो अमेजोन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, सही है, वो फिर आपको नहीं छोड़ता, सही है। तो उसमें फिर यही होता है कि फिर अमेजोन क्या करता है आपका जो अकाउंट है बेसिकली उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आपके पास जब कभी भी कोई मीन्स के मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचने का तरीकाकार क्या होता है कि इस तरीके की जब भी वेरिफिकेशन आती होती है तो आप इनवॉइस को जो है वो एडिट करें, ठीक है, उसका एक प्रिंट निकालें, सही है, और फिर उस प्रिंट को जो है वो दोबारा सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो सॉफ्ट फॉर्म जो है वो फिर अमेजोन को भेजिए। तो इस तरीके से जो है वो फिर अमेजोन जितना मर्जी जो है वो इसके ऊपर सॉफ्टवेयर लगाता रहे फिर वो जो है वो आपको नहीं पकड़ सकता, फिर आपकी एडिटिंग नहीं पकड़ी जाएगी। अदरवाइज क्या किया आपने, उसी जो है वो पीडीएफ फॉर्म थी उसी को जो है फोटोशॉप के अंदर डाला, सही है, और उसको एडिट किया और फिर वहीं से एक्सपोर्ट करके जो है वो अमेजोन को भेज दिया तो वो उसको रिट्रीव कर सकता है कि ओरिजिनल डाटा बेसिकली क्या था, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, सही है, ऐसे जो है वो मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे करते होते हैं, सही है। तो मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ। मैंने सर कार्ड दोबारा बताइएगा सर इस प्रोसीजर। देखिए अब जो है वो फॉर एग्जांपल क्या था कि मैं आपको बताता हूँ, अब ये बंदा था, इस बंदे ये बंदा जो है वो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहा है, सही है। अब इसको अमेजोन ने कहा कि ये जो आपने प्रोडक्ट कहाँ से लिया मुझे बताएं जरा। अब अमेजोन पूछ सकते हैं ना, सही है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताएं ये आपने जो है वो कहाँ से लिया है। अब जो है वो अगर तो इसने जो है वो इसके और दूसरी बात ये कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है ये वाला, सही है, ये सब लोग जो है वो अमेजोन को ये बता के बैठे हुए हैं कि हम इस ब्रांड के जो है वो रीसेलर हैं, तो ये इस ब्रांड ने हमें जो है वो अथोराइजेशन लेटर दिया हुआ है हम इसको जो है वो सेल कर सकते हैं, सही है। अच्छा अब जो है वो अमेजोन ने इसको पूछ लिया और इसने क्या किया हुआ था, इसने जो प्रोडक्ट है ना वो अमेजोन की बेसिकली जो ये जो ब्रांड था तो ये इसके किसी जो है वो अथोराइज्ड डीलर से नहीं खरीदी बल्कि एमी जो है वो कहीं से उठा ली थी। अब इसने कहीं से एमी उठा ली तो इसके पास डेफिनेटली इनवॉइस भी नहीं होगी जो कि इस ब्रांड की अथोराइजेशन की हो, सही है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि लोग जो है ना कुछ लोगों को जो ना इनवॉइस का फॉर्मेट पता होता है कि अमेजोन किस तरीके की जो इनवॉइसेस है ना वो एक्सेप्ट करता है, वो फिर क्या करते हैं वो जो भी कोई इनवॉइस पड़ी होती है ना एग्जिस्टिंग, सही है, उसके अंदर इस तरीके की अमेंडमेंट करके मीन्स के सोर वो उसमें लिख देंगे कि अच्छा जी परचेज बाय दिस पैनट्रॉनिक्स, सही है, सॉरी इशूड बाय दिस पैनट्रॉनिक्स, सही है, एंड परचेज बाय जो है वो दिस सेलर, सही है, केसी फोन गाइज, एंड सही है, उसके बाद जनाब अली दूसरी एक इसकी जो है वो मींस के जो है वो एक दूसरी लिमिट दूसरी मतलब की कंडीशन क्या है कि इनवॉइस के ऊपर सब चीज सेम नहीं चाहिए, तो उन्होंने जनाब ये जो है वो अपना ये वाला सारा एड्रेस वड्रेस ये सारा चेंज करके, सही है, ये जनाब अमेजोन को जो है वो क्या कर दिया पकड़ा दिया है, सही है, फोटोशॉप मतलब कर दिया है, सही है, फोटोशॉप होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो। अच्छा अब जो है वो इसने फोटोशॉप में इसको लेकर गया, सही है, और डायरेक्टली जो है वो एक्सपोर्ट करके फिर अमेजोन को भेज दिया, सही है, अमेजोन ने इसकी इनवॉइस देखी, सही है, और उन्होंने क्या किया उसको स्कैन कर लिया, सही है, जो भी उनके एडवांस सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू। तो वो जो सॉफ्टवेयर इतने एडवांस लेवल के हैं, सही है, अगर आपने किसी भी फॉर्मेट किसी भी जो आपकी जो है वो जो सॉफ्ट फॉर्म है, सही है, उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो बेसिकली उसको पकड़ लेते हैं, सही है, वो आपको पोस्ट एंड प्री चेंजेस दोनों आपको दिखा देते हैं कि अच्छा ओरिजिनल जो चीज है वो बेसिकली ये थी और इसके ऊपर इमिटमेंट करके चेंजेस करके खुद से आर्टिफिशियली ये आपको ये बना के ये दे दी गई है। तो अब डेफिनेटली अमेजोन को पता चल गया ना कि आपके पास ये चीज है नहीं है, आपने जो है फोटोशॉप किया दो नंबर ही कर रहे हैं आप, सही है, तो वो फिर इसके ऊपर क्या करेगा, वो फिर जैसे ये बता रही है कि वो आपका अकाउंट जो है क्या कर देते हैं सस्पेंड कर देते हैं इसके ऊपर, सही है।
तो उसका जो है वो फिर बचने का तरीकेकार ये होता है कि मींस अमेज़न कैसे जो है वो उससे बचा जाए कि वो अमेज़न इस चीज को मतलब जो हमने चेंजेस किए हैं उसको अमेज़न रिट्रीव ही ना कर सके. तो उसके लिए फिर यही होता है कि आप क्या करें, आप चेंजेस जो है वो करें, सही है, जो भी आपने चेंजेस कर ली हुई हैं अब आप क्या करें उसको एक कागज के ऊपर प्रिंट कर लें. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने जनाब ये बिजनेस नेम अपना और ये एड्रेस चेंज किया था इनवॉइस के ऊपर, ठीक है, ये इनवॉइस आपके पास पहले से पड़ी हुई थी, मतलब आपके दोस्त की थी, सही है, और उस आपका जो दोस्त है वो बेसिकली वो यहाँ से परचेज कर रहा है, आप नहीं परचेज कर रहे, सही है, तो आपने क्या किया, आपने दोस्त से जो है वो इनवॉइस मंगवाई, सही है, फोटोशॉप में जाके आपने ये सारा एड्रेस और ये सब चीजें जो है वो चेंज की, सही है. उसके बाद क्या किया, अब आपने इसको एज इट इज नहीं भेजना, अब आपने क्या करना, इसको जो एडिटेड इनवॉइस है उसको अब आप प्रिंट कर लें पेज के ऊपर, सही है, एक हार्ड पेज के ऊपर, सही है. जब उसका प्रिंट निकल आएगा तब आप क्या करें, अब जो है वो उसको स्कैन करें, सही है, और फिर अमेज़न को भेज दें. अब जो है वो जितने मर्जी वो जो है वो सॉफ्टवेयर लगाता रहे, टूल लगाता रहे, अब जो है वो नहीं पकड़ सकेगा आपको, सही है. तो मतलब जो है वो ये भी एक तरीकेकार है, सही है, इस तरीके से मतलब काम करने का, कि मतलब लोग इस तरीके से भी जो है वो काम कर सकते होते हैं, सही है जी. हाँ, तो वो पैटर्न जो है वो आप देखें, भाई ढूंढने से ना कुछ भी नहीं छुपा हुआ, सही है, जस्ट आपकी R&D बड़ी स्ट्रांग हो, सही है, चीजें जो है वो मिल जाती होती हैं. ये आप ना कहें कि जो है वो मिलता कुछ नहीं है, कि जी है वो हमें मींस के जो है वो हम पाकिस्तान से तो है हमारे लिए पेपल. अब आप ये देखें कि जो है वो पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानियों को पेपल अलाउड तो नहीं है ना. मैं ऐसे ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनके पास जो है 10-10 पेपल है, सही है. कराची में एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ कि जिसके पास कोई 17-18 जो है वो अमेज़न के अकाउंट है, सेलर अकाउंट है 17-18, सही है, वो भी कराची में रहता है वो, सही है, लेदर जैकेट का एक बहुत बड़ा काम करता है वो, सही है. तो ये आपके ऊपर होती होती है कि आप बेसिकली एक जो है वो कोई भी आपके पास मॉडल हो तो आप उसके अंदर कितनी तेजी से आप घुसते हैं, सही है, कितनी आपकी रिसर्च है और कितना आप इंटरेस्ट लेके जो है वो उसके अंदर जाते होते हैं. तो ये होता है. और यहाँ पर जो है वो ऐसा आपको कुछ नहीं जो है वो करवाया जाता, ये है कि बट बस एक जो है वो डायरेक्शंस होती हैं वो डेफिनेटली जो है वो आपको दी जाएंगी, सही है, कि मतलब कि इस काम को करना है तो इसके ये पॉसिबल वेज हैं, सही है. अब वो वेज जो है वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे आपने निकालने, ये तो वो आपके ऊपर है ना, सही है जी. अब देखें उसके बाद क्या होता है कि एक प्रॉपर आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो भी एक आप यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ी चीज होती होती है, सही है. अब आप देखें जिस तरीके से उस लड़की ने जो है वो अकाउंट सस्पेंड करवा लिया होगा, सही है, अगर उसको पता होता है कि इनवॉइस को जो है वो इस तरीके से नहीं ऐसे भेजना है तो देन डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल के जो है वो पकड़ पाती, अमेज़न उसको पकड़ पाता, सही है. तो ये है, सही है. देखिए ड्रॉप शिपिंग हो या आप प्राइवेट लेबल हो या जो मर्जी हो, सही है, जब भी आपने आप ड्रॉप शिपिंग वाला भी जो है वो अमेज़न के ऊपर बेच रहा है ना बेसिकली, सही है, मींस के कुछ वो बेचना चाह रहा है, तो जब आप जो है वो जब जो है वो बारी आ गई बेचने की तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अकाउंट चाहिए, सेलर अकाउंट चाहिए. हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझे बताएं. अच्छा, जब आप जो है वो अपवर्क के जो है वो जो भी होता होता है, सही है, तो उसके लिए जो है वो मींस कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ प्रपोजल राइटिंग बेसिकली कैसे होती है. तो वो होती है, अच्छा ये जो है ना, ये देखें सबसे पहले जो है वो आप इधर रोते हैं, आप यहाँ पर पीछे जाएंगे ना तो आपके पास जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, जॉब्स चल रही होंगी, उसके लिस्ट आ जाएगी, सही है. तो एक जॉब्स को क्लिक किया ना, मींस के अब जो है आपको पता चला कि मैं अब इस जॉब के ऊपर काम करने वाला हूँ, ठीक है. अच्छा, तो अब जो है वो इसको अभी यहीं से ऑफ ऑन करेंगे, ठीक है, और वो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं, जस्ट वो काम लिखेंगे आप इसको ऑन कर देंगे तो इसने जो है वो आपकी ये स्क्रीन जो है वो बेसिकली थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो कैप्चर करना शुरू कर देनी है, सही है. अभी देखें जो है वो अभी लेटेस्ट स्क्रीन कैप्चर जो है वो अभी कोई नहीं है, सही है. फिर जो है वो जब आपके पास ये सारा आ रहा था तो फिर आपको यहाँ पर ये वर्क डायरी आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास वो आ रही होती है, आप यहाँ पर देख रहे होते हैं,
कि अच्छा ये जो है वो इस ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाते होते हैं, सही है। तो यहाँ पर फिर आपको पता चल रहा होता है कि हाँ जी 10 मिनट के बाद जाते हैं, सही है ये, हर 10 मिनट के बाद। लेकिन ये नहीं होता है, वो रैंडमली कभी कभार वो भी हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि हर 10 मिनट के बाद ही जाए, वो रैंडमली जो है वो स्क्रीन शॉट लेते हैं, कभी 10 मिनट से थोड़ा पहले भी हो तो कभी 10 मिनट थोड़ा बाद भी चला जाता है, तो ये होता है। सही है सर, एक दोस्त बता रहा था कि मैं एक क्लाइंट का काम पकड़ रहा, तो वो मैं चेक कर रहा था फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड था, मैं यूट्यूब पे वो वीडियोस देख के उसका जो है ना काम कर रहा था, तो उसके पास वो ऐसी स्क्रीनशॉट चले गए, तो उसने नेक्स्ट जो है ना मुझे वो काम खुद से, हाँ वो जो है वो अगली दफा उसने खुद से वो काम करना शुरू कर दिया होगा। जी देख लिया आपने रिजल्ट? जी जी सर। तो ये जो है वो वाइबल नहीं है, सही है। ये देखें, ये तो विद रोप है, एक है विदाउट रोप। विदाउट रोप ये है वो कौन सी होती है? अच्छा जाने विदाउट रोप भी, मुझे जरा प्रोडक्ट पे बताइएगा वो है कि नहीं है। मैं आपको जो है वो नोट्स में से जाके ना देखता हूँ। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं? जी जी सर, ये वाली, ये जो ब्लैक और ये पहली वाली, ये
ये इसका एक कीवर्ड ठीक है, इसके ऊपर जो है वो अभी मेरे ख्याल में इसकी न्यू भर्ती हुई है, सही है, ये देखिए जो है वो मीन्स इतना जो है इसके ना डिमांड नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो आप मतलब यूँ कह सकें कि अच्छा इसको जो है वो हम लॉन्च कर सकते हैं, सही है। अब जो है वो अब जो जिस तरीके से ये है, सही है, कंट्रोल जिस तरीके से ये है अभी देखें जो है वो इसका सर वॉल्यूम 1500 है, सही है, तो 1500 के ऊपर जो है वो क्या इसको जो है वो लॉन्च किया जाए और क्या इसको जो है वो रन किया जाएगा, तो ये है। थोड़ा सा जो है वो इसका अभी ट्रेंड आएगा और ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगी तो फिर जो है वो आगे तक जाएगी, फिर जो है लोग इसमें डेफिनेटली जो है वो आएंगे। देखना जो है वो ये एक बंदा है, ये तो रोब्स वाली बेच रहे हैं ना, तो ये है विदाउट रोब्स वाली, तो जो है इसके 652 रिव्यूज हैं, बाकी देखें एक रिव्यू और इसके 76 वही कॉल है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, तो 8 मीन के अभी एडजस्ट ये जो प्रोडक्ट है ना वो काफी है। अच्छा ये कितने में मिल रही है? मैंने चेक किया था ली बाबा से $2 की मिल जाएगी, ये जो $12 $13 की सेल हो रही है, नहीं ये जो ये लगा हुआ है ना ये वाला सीन, सही है, ये जो खराब करेगा, ये आएगा बैटरी आइटम के अंदर, सही है, और बैटरी आइटम के ऊपर ना फिर अमेज़न जो है वो आपसे मांग लेगा एसटीएस सेफ्टी डेटा शीट ना विदाउट बैटरी वाला, वो मैंने चेक किया था अगर उसका नहीं। अब ये जो ये वाला जो सीन है इसमें अगर आप खुद देखें तो इसमें लोग ये ज्यादा पसंद करेंगे कि मींस इसके साथ मतलब उनको ये भी आई कि बिन तो उन्होंने काउंट कितना कर लिया है, तो ये कि मतलब कितने उन्होंने गवा लिए ये रसियां, तो ये तो ये भी बेसिकली इसमें आएगा, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये चलेगा एज कम्पेयर टू ना इसके बस सिंपल ना आपके बारे में आप जो है बात करते घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये है इसमें अब जिस तरीके से ये है, ये देखिए आप सही है, अब इसमें दोनों ऑप्शन है ना वो रोप भी आपको बेसिकली साथ में दे रहे हैं और ये भी साथ में दे रहे हैं, सही है, इस तरीके से घुमाइए आप तो ऐसे घुमाते रहे और दूसरे तरीके से घुमाइए तो फिर ऐसे घुमाते रहे और एक एक सर की बेस के ऊपर आप कभी भी मार्केट का एवेल्युएशन नहीं कर सकते होते कि मतलब कि आप जिस तरह से ये 12 में बेच रहे तो हम भी 12 में बेच देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता होता, प्राइस जो है वो हमेशा ओवरऑल चेक की जाती होती है कि बाकी सारे लोग जो है वो कैसे कर रहे हैं। वो आपने वो सेशन लिया नहीं है वो सर सनी अली वाला, वो आप वो देख लेना एक दफा, तो उसमें उन्होंने जो काफी अच्छा मतलब उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी होती है वो चेक की जाती है, कि सर जी जैसे आप कह रहे थे कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो सर उसको दोबारा ठीक करने के लिए कोई प्रोसीजर है? वो यही होता है कि फिर आप हाँ जो फिर आप फिर अपीलें करते फिर ये उसको जो है वो उसके पर लिख लें कि अच्छा भी हमसे ये गलती हुई है अंदर के बाद नहीं है कोई इस तरीके का, तो मे भी उस तरह की वजह है वो आपको कहे चले कोई नहीं है वो चला अदरवाइज है वो फिर उसको देखना भी पड़ेगा कि जो है वो मीन्स की जो है वो कितना पुराना जो है जो है वो कितनी पुरानी सस्पेंशन है, अगर आपने जो है उसको काफी टाइम गुजर गया हुआ है फिर तो जो है उसको मुश्किल है जी। ठीक है जी सर, हम जो एसईओ करते हैं इसमें बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, तो उसमें एक डू फॉलो बैकलिंक्स होता है, ये हम सर कैसे ढूंढ सकते हैं? अब ना यहाँ पर एक होता है ओपन एसईओ प्रोफाइलर,
SEO profile.org था शायद, ये बहुत सारा टाइम हो गया छोड़ने में इसको। पहले जो है क्या होता था कि मतलब ये ना एक जो ये वाला टूल है लिंक एनालाइजर वाला, सही है, यहाँ से जो है वो बेसिकली आप जाके ना अभी जो है ठीक है। अच्छा अब जो है वो और इसके अलावा क्या था, ठीक है अभी देखें, जैसे ये है ये कह रहा है कि जिस तरीके से जनाब ये है इसके पास एक रजिस्ट्रेशन की है और दिस दिस, ये बेसिकली फिल्मोरा की के ऊपर जो है ना, सही है, ये mazainside.com जो है ये रैंक है गूगल में ना, इसको जो है वो ओवरटेक करने का क्या प्रोसीजर होगा, आप क्या करेंगे, इसकी डोमेन उठाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और लिंक एलाइजर में ना ये जो आपके पास सामने ये चीज नजर आ रही है, इधर आप जाके ना इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि गेट डेटा। अच्छा आप तो क्या करते हैं कि अब इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना शोइंग दिस 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 आउट ऑफ दिस लिंक, सही है, तो इस तरीके से ना आपको बता देता है कि अच्छा एक लिंक, एक किसने बैक लिंक इस साइड पर लगाया हुआ है, एक बैक लिंक किसने इस साइड के ऊपर लगाया हुआ है, सही है, ठीक है, एक बैकलिंक इसने इस साइड के ऊपर लगा, इस तरीके से आपके पास वो सारी आ रही है। तो इसके साथ जो है वो इसके आगे ये भी आ रहा होता है कि वो डू फॉलो के नो फॉलो है। डू फॉलो का मतलब ये होगा कि उस लिंक उस साइट की बेसिकली आगे जिस साइट्स के साथ लिंकिंग हुई होगी, सही है, तो उसका जूस भी आपके बैकलिंक को मिलेगा, सही है। और नो फॉलो का मतलब ये होगा, मतलब कि आपका लिंक वो बेसिकली बस उसी साइट का जो है जूस उसको मिल रहा होगा, आगे जो है ना जो भी जितनी भी वो खुद साइट है वो आगे जितनी भी वेबसाइट से कनेक्टेड होगी उसको जो है वो आपका उससे कोई क्या होगा मिल देना नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जो है वो इसमें LIS भी आता होता है, LIS सही है, तो LIS जो है वो लिंक इंडेक्सिंग स्कोर होता है शायद ये वाला, मुझे अब जो है वो दो साल हो गए छोड़े हुए कहाँ पर, थोड़ा बहुत नहीं इसका आइडिया, बट ये है कि ये हम 50% से ऊपर देखते थे, जिसका LIS 50% से ऊपर होता था, ये उस वेबसाइट के ऊपर जाके सही है आप भी अपना लिंक क्रिएट कर देते थे, सही है। तो अब क्या किया आपने भी है वो इसी फिल्मोरा की ऊपर जो है वो अपनी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है अपना बैकलिंक क्रिएट करते गए करते गए करते गए, सही है, उसमें डुअल और नो फॉलो आप जो है दोनों एक बराबर एक सीक्वेंस में रख के करते हैं कि मतलब पांच नो फॉलो के लेने हैं उसके ऊपर जो है वो एक डू फॉलो का लेना, सही है, फिर पांच नो फॉलो के फिर एक डू फॉलो के, फिर इसके अंदर जो है वो आपके फॉर्म बैकलिंक भी आते हैं, फिर वेब
2.0 के भी आते हैं सही, तो ये फिर इसको जो है वो एक बड़े एक नेक्स्ट लेवल पे इसको होता है साइलो स्ट्रक्चर सही है, और फिर पिरामिड होते हैं सही है, वो बनते हैं कि मींस के पहले एक बेस बनाते हैं तो ऑन सो ऑन जिस तरीके का पिरामिड बनते जाता है चलता जाता है, तो इस तरीके से वो होता होता है, तो बेसिकली ये होता होता है। फिर इसमें ना आपकी एक एक्सटेंशन भी जरूरत थी कि जिसको हम लोग बोलते थे ये अलेक्सा सही है, तो अभी अलेक्सा बेसिकली क्या करता है ये ना आपको इसका रैंक बता देगा सही है, बेसिकली इसका क्या है रैंक सही है। देखिए अब ये बेसिकली इंडियन साइट है ये वाली sqportfolio.org.com सही है, और इंडिया में जो है वो रैंक जो है ना 2600 है सही है, और वर्ल्ड वाइड जो है वो जो इसका रैंक है वो 14,000 है सही है, और इसके जो खुद के बैकलिंक जो है वो बेसिकली 474 है, ये मतलब 474 जो है वो आगे वेबसाइट के साथ जो है वो क्या है ये कनेक्टेड है ये, तो अगर इस वक्त और इसका जो ग्राफ है वो बेसिकली ये बता रहा है सही है कि ये इस वक्त जा रही है मीन्स सही है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर इस वेबसाइट से जो है वो आपको कोई बैकलिंक मिल जाता है ओरिजिनल मतलब sqportfolio.com से आपको मिल जाता है सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत गूगल के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो आप भी समझने का साइन होगा। अब इस तरीके से ये है सही है, इसका आप देख लेंगे तो ये थोड़ी सी ये हमें पता चल भी जाएगा कि किस टाइप की, ये भी इंडियन वेबसाइट है सही है, इसका 1,54,000 है वो इसका लगता रैंक भी देखें डाउन है सही है, तो किसी वजह से ना गूगल ने इसको प्लेटी लगाई हुई है सही है, इसके कुछ जो होंगे आर्टिकल सही है वो डी नेक्स्ट होंगे सही है, ये इसका जो है वो रिस्पॉन्स रेट आ रहा है सही है 0.32 सेकंड्स है वो बस एवरेज है सही है, और इस तरीके से जो है वो 71 साइट से आगे 71 बैकलिंक है सही है, 71 ही आगे साइट से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से सही है, इसी तरीके से जो है वो आप गूगल का भी देख सकते हैं सही है, इधर आप देखेंगे सही है ये नंबर वन सही है, गूगल यूएस की साइट है तो यूएस में वो फर्स्ट नंबर पर, और आगे ये जो है वो इतने आगे साइट्स के साथ क्या है ये खुद जो है वो आगे वहां से जो है वो क्या कर रहा है ले रहा है गूगल खुद बैकलिंक ले रहा है वहां से सही है, और ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली वो आपको जो है वो देख कितने परसेंट फास्ट है ये 1.02 सेकंड्स अंदर जो है वो आपको कर देती है ये इसके एवरेज लोड टाइम सही है, और ये फिर क्या करती है एक्सटेंशन जो है ना बेसिकली उससे उस वेबसाइट से जो है ना सिमिलर जो वेबसाइट्स होंगी उनके लिंक भी आपको निकल कर देगी ये सही है, तो ये होता है बेसिकली सही है, और डू फॉलो और नो फॉलो का सबसे पहले चल लेते हैं, अगर पे उसका जो ग्राफ है वो बेसिकली डाउन जा जिस तरीके से ये है सही है, तो हम इसका जो है वो फिर बैक लिंक लेंगे ही नहीं सही है, तो ये होता होता है इसमें जी। राइट सर बिल्कुल थैंक यू सर। सर इधर हम ना मोज यूज करते हैं, तो उसमें मतलब जो डू फॉलो का लिंक आता है मोज बेसिकली लोग यूज करते हैं, एचएफ भी यूज करते हैं, डिफरेंट लोग यूज करते हैं, मैंने पैसे प्रोफाइल इस वजह से जो है देखा जाए क्योंकि ये उसने ये फ्री था आप है वो मेरे ख्याल में ये मतलब फ्री में जो आपको लिंक निकाल के देता था, बट ये है कि मेरे ख्याल में इन्होंने ये पेड कर दिया हुआ है, हमने भी ये वाला काम जो है वो छोड़ दिया है, तो सर उसमें ना मोज जो है वो डू फॉलो लिंक मतलब नहीं बताता, वो प्रो में बताता है। हाँ ये तो है, मतलब अगर आप फ्री टूल यूज करेंगे तो उसमें जो है आपको डेटा जो है वो लिमिटेड दिया जाता है सही है, बट अगर आप जो है वो अगर आप उनके प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है वो आपको फुल टाइम जो डेटा होता है वो उसकी एक्सेस आपको जाती रहती है। ये जो आपने बताया एसईओ प्रोफाइल इसमें बता देता है फ्री में मतलब पहले बताता था आजकल का पता नहीं है सही सर, इसके अलावा कोई और वे नहीं है मालूम करने फ्री वाला? नहीं मैंने जो है इसके ऊपर के मैंने आपको बताया है, मैंने 2017 में ये छोड़ी थी ये गूगल वाली एसईओ 2018 के स्टार्ट में, उसके बाद भी मैंने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। ओके काम करता रहता तो फिर मतलब पता होता है आपको, बट मैं काम किया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।